वायरस का असर इस बार विजयादशमी पर भी देखने को मिलेगा। दशहरा महोत्सव पर कस्तूरचंद पार्क रहेगा इस साल वीरान। संपत्ति और पानी कर का ब्याज माफ, पानी दर में वृद्धि नहीं। मनपा के बजट पर चर्चा के बाद सदन ने सहमति से लिया निर्णय। लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार से स्टेशन की प्रीपेड ऑटो व्यवस्था की गई शुरू, पहले केवल 15 ऑटो को चलाने की अनुमति। यातायात विभाग लेगा जायजा। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अंतिम सत्र की परीक्षाएं जारी, गुरुवार को परीक्षा दिन भर डगमगाती रही, 1.25 घंटे पहले ही पेपर शुरू, आश्चर्य में पड़े विद्यार्थी। कोरोना वायरस का असर इस बार विजयादशमी पर, दशहरा महोत्सव पर कस्तूरचंद पार्क रहेगा वीरान, तो वहीं अष्टमी नवमी और दशमी तिथि सुबह शुरू होगी। बजट भाषण में नगर सेवकों ने ठप्प विकास कार्यों पर की चर्चा, सबसे ज्यादा तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे की हुई बात, किसी ने बजट को सराहा तो किसी ने गुमराह करने वाला बताया। हसनबाग में अतिक्रमण हटाने पर हुआ विवाद, अधिकारियों से भिड़ा दुकानदार, गांधीबाग और हनुमान नगर जोन में भी बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई। कपिल नगर क्षेत्र के आंवले नगर में फिर शराब पीते समय हुआ विवाद, युवक की गई हत्या, जमानत पर छूटा था, हत्या सहित कई मामले थे पहले से दर्ज। गश्ती के बावजूद होती रही है शहर भर में चोरियां, 530 सुरक्षा कर्मियों के भरोसे है 90 स्टेशन और 900 मीटर की रेल पटरी। और मेओ में रोज औसतन 20 संक्रमितों की जान जाती है, पिछले 36 घंटे में एक भी मौत नहीं, कोरोना महामारी के बीच राहत भरी खबर।